आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। पौराणिक कथाओं के अनुसार मानव जाति के कल्याण के लिए अनेक देवताओं ने कई बार पृथ्वी पर अवतार लिए हैं। उसी प्रकार भगवान श्री गणेश जी ने भी आसुरी शक्तियों से मुक्ति दिलाने के लिए अनेक बार अवतार लिए हैं। भगवान श्री गणेश के इन अवतारों का वर्णन गणेश पुराण, मुद्गल पुराण, गणेश अंक आदि अनेक ग्रंथों में विस्तृत रूप से मिलता है। इन अवतारों की संख्या 8 बताई जाती है और उनके नाम वक्रतुंड, गजानन, एकदंत, विघ्नराज, महोदर, लंबोदर, विकट और धूम्रवर्ण है। अगर आप बुद्धि के दाता भगवान गणेश की आराधना करते हैं और अगर आप एकदंत भगवान गणेश के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय गणेश देवा लिखना न भूलिए। हिंदू धर्म में पूजनीय देवता भगवान गणेश अपनी बुद्धि, बुद्धिमत्ता और बाधाओं को दूर करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। भगवान गणेश से जुड़ी पौराणिक कथाओं में विभिन्न अवतार शामिल है, जिनमें से प्रत्येक देवत्व के अद्वितीय पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान गणेश के दिव्य अवतार ज्ञान, समृद्धि और ब्रह्मांडीय शक्ति के अद्वितीय पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक अभिव्यक्ति प्रतीकात्मक महत्व रखती है, जिसमें भगवान श्री गणेश को बाधाओं को दूर करने वाले और अच्छे भाग्य के अग्रदूत के रूप में चित्रित किया गया है। वक्रतुंड, एकदंत और महोदरा उनके विविध रूपों का उदाहरण देते हैं, जबकि गजवक्र और लंबोदर उनके हाथी के सिर वाली महिमा पर केंद्रित दिखाई देते हैं। विकट, विघ्नराज और धूम्रवर्ण चुनौतियों पर विजय का प्रतीक, अपने लौकिक अधिकार का प्रदर्शन करते हैं। ये दिव्य अवतार भगवान श्री गणेश के आध्यात्मिक सार को समाहित करते हैं, जो भक्तों को अपने जीवन की यात्रा में ज्ञान, आशीर्वाद और दिव्य अनुग्रह प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करते हैं। आइए अब बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश के दिव्य अवतारों के बारे में जानें और उनके महत्व को आसान भाषा में समझने का प्रयास करें। भगवान श्री गणेश के घुमावदार सूंड वाले अवतार को वक्रतुंड कहा गया है। इसे भगवान श्री गणेश जी का पहला अवतार माना गया है। वक्रतुंड भगवान गणेश के प्राथमिक रूपों में से एक है, जो एक घुमावदार सूंड को दर्शाता है। यह अवतार नकारात्मक प्रभावों और चुनौतियों को नियंत्रित करने की शक्ति का प्रतीक है, जो एक सहज और बाधा मुक्त जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। एक दांत वाले गणेश भगवान को एक दंत कहा गया है। इसे भगवान श्री गणेश जी का दूसरा अवतार माना गया है। एक दांत वाले भगवान गणेश का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गणेश ने महाभारत लिखने के लिए अपने एक दांत का बलिदान दिया था। यह अवतार त्याग के महत्व और व्यापक भलाई के लिए व्यक्तिगत इच्छाओं को त्यागने की इच्छा सिखाता है। विशाल पेट वाले भगवान श्री गणेश को महोदरा कहा गया है। इसे भगवान श्री गणेश जी का तीसरा अवतार माना गया है। महोदरा स्वरूप एक बड़े गोल पेट वाले भगवान श्री गणेश का प्रतिनिधित्व करता है, जो ब्रह्मांड की विशालता को दर्शाता है। यह रूप इस विचार पर जोर देता है कि भगवान श्री गणेश अपनी सर्वव्यापकता को उजागर करते हुए पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समाहित करते हैं। हाथी के चेहरे और मस्तक वाले भगवान श्री गणेश को गजानन कहा गया है। इसे भगवान श्री गणेश जी का चौथा अवतार माना गया है। गजानन, हाथी के चेहरे वाले गणेश, शक्ति, शक्ति और लचीलेपन जैसे गुणों का प्रतीक है। भक्त अपने जीवन में चुनौतियों और बाधाओं को दूर करने के लिए इस अवतार से आशीर्वाद मांगते हैं। अपने पेट के विशिष्ट आकार वाले भगवान श्री गणेश को लंबोदर कहा गया है। इसे भगवान श्री गणेश जी का पांचवा अवतार माना गया है। लंबोदर भगवान श्री गणेश को एक विशिष्ट पेट के साथ चित्रित करता है, जो प्रचुरता और समृद्धि का प्रतीक है। यह रूप भक्तों को विनम्रता के साथ धन को अपनाने और अपनी समृद्धि को दूसरों के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। भगवान श्री गणेश का एक विशिष्ट रूप जिसे विकट कहा गया है। इसे भगवान श्री गणेश जी का छठवां अवतार माना गया है। भगवान गणेश का यह रूप विशिष्टता का प्रतीक है, जो भक्तों की आत्मा में निरंतर समर्थन का संकेत देता है।
उनका विकराल चेहरा, जो आकार में बहुत बड़ा है, अद्वितीय ताकत के साथ सभी कठिनाइयों को दूर करने की उनकी क्षमता को दर्शाता है। हर तरह की चुनौतियों, बाधाओं आदि को दूर करने वाले भगवान श्री गणेश के स्वरूप को विघ्नराज कहा गया है। इसे भगवान श्री गणेश जी का सातवां अवतार माना गया है। इस रूप में गणेश को बाधाओं के भगवान के रूप में पूजा जाता है, जो सभी बाधाओं और बाधाओं को दूर करने के लिए धृत है। विघ्नराज का ध्यान करके भक्त अपने जीवन में समृद्धि और शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आता है भगवान श्री गणेश का धूम्रवर्ण स्वरूप। इसे भगवान श्री गणेश जी का आठवां अवतार माना गया है। भगवान श्री गणेश का यह रूप धूम्रवर्ण के साथ है, जो शांति, संयम और संयम की उच्च अवस्था का प्रतीक है। ध्यान के इस रूप से भक्त अपने जीवन में सचेतनता और आध्यात्मिक समृद्धि की ओर बढ़ सकते हैं, जिससे सद्भाव, स्थिरता और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस तरह भगवान श्री गणेश के आठ अवतारों के बारे में कथाओं, पुराणों, धर्म ग्रंथों आदि में उल्लेख किया गया है। अगर आप बुद्धि के दाता भगवान गणेश की आराधना करते हैं और अगर आप एक दंत भगवान गणेश के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय गणेश देवा लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंतकथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावान माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें।